नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस। पूरे जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चटिया काली से सटे इलाके में शुक्रवार की सुबह लोहे सामग्री से लादा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। मालूम हो कि आज सुबह एक ट्रेलर फुलबारी से जलपाईगुड़ी की ओर जा रहा था, तभी जटिया काली से सटे इलाके में ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। खबर पाकर फुलबारी हाईवे ट्रैफिक गार्ड की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार गाड़ी को सीधा करने के लिए क्रेन मंगाया गया है। अपराध को रोकने के लिए मालदा पुलिस उठाने जा रही है बड़ा कदम। शहर के प्रवेश द्वारों पर स्थापित किए जाएंगे स्थायी नाका चेकिंग पॉइंट। मालदा की आपराधिक गतिविधियों को रोकने और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए मालदा जिला पुलिस बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मालदा शहर के हर मुख्य प्रवेश मार्ग के चौराहे पर नाका चेकिंग पॉइंट स्थापित करने जा रही है। बाद में इन नाका चेकिंग पॉइंट पर सीसी कैमरे लगाए जाएंगे। इन नाका चेकिंग पॉइंट पर एक एएसआई रैंक की पुलिस अधिकारी के साथ कई नागरिक सिविल वॉलेंटियर्स और पुलिस कर्मी निगरानी के लिए उपस्थित होंगे। जिला पुलिस ने उन स्थानों का चयन करके यह नाका चेकिंग पॉइंट बनाने जा रही है जो मालदा शहर में प्रवेश करने के मुख्य द्वार है। माना जा रहा है कि नाका चेकिंग पॉइंट होने से ड्यूटी पर तैनात पुलिस अपराधियों और कर्मचारियों को वाहन या लोगों को रोक कर तलाशी लेने में सुविधा होगी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जा सकेगी। जिला पुलिस के इस कदम की मालदा की व्यापारिक समुदाय और आम लोगों ने सराहना की है। घर की छत पर फल रहे 2 किलो के थाईलैंड के आम लोगों के आकर्षण के बने हुए ही केंद्र। आजकल बहुत से लोग घर की छत पर तरह तरह के फूल फल और सब्जियों की खेती करते नजर आते हैं। छत के बगीचे इस प्रकार की खेती ध्यान आकर्षित करती है। अब तो जलपाईगुड़ी की कई निवासी अब अपने छत के बगीचों में ग्रीष्मकालीन फल के राजा आम की फल उगाते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि शहर में दिन बाजार के पास बसंत सिंगी घर की छत पर मियाज़ाकी सहित अन्य प्रकार के आमों की खेती करने आ रहे हैं, लेकिन उनके घर के छत पर एक ऐसे आम की खेती की जा रही है जिसका वजन आश्चर्यजनक है। यह आम का पेड़ थाईलैंड के आम के पेड़ की एक प्रजाति है। पेड़ ज्यादा उत्पादन नहीं करता। यदि बड़ा पेड़ ठीक से अच्छी पैदावार देता है तो उस पर भी पेड़ पर 5 से 6 आम लगेंगे जिनका वजन लगभग 10 से 12 किलोग्राम तक हो सकता है। मालूम हो कि शहर के दिन बाजार इलाके के रहने वाले बसंत नामक व्यक्ति को हमेशा से छत पर विभिन्न फलों की खेती करने का शौक रहा है। पिछले 2 वर्षों से उन्होंने थाईलैंड की इस आम प्रजाति को उगा रहे हैं। बसंत बाबू का दावा है कि इस पेड़ के एक आम का वजन 1 किलो से 2 किलो 200 ग्राम तक होता है। करीब 2 साल से उनके घर के लोग इस पेड़ के आम का स्वाद ले रहे हैं। आम की एक और खासियत यह है कि इसका स्वाद कच्चा और पका दोनों ही अवस्था में मीठा होता है। बंगाल के आम की तुलना में आकर भिन्न इस आम को देखने के लिए कई पड़ोसी बसंत बाबू के घर पर उमड़ रही हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि छत के बगीचे पर आम का पेड़ आकर्षण केंद्र बना हुआ है। सिलीगुड़ी नगर निगम की मेयर परिषद सदस्य दुलाल दत्ता के भतीजे का शव बरामद होने से शहर में फैली सनसनी। सिलीगुड़ी नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की मेयर परिषद सदस्य दुलाल दत्ता की भतीजे का लटका हुआ शव घर के अंदर से बरामद होने से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। साथ ही इस दुखद घटना के सामने आने से इलाके में काफी दुख और मातम का माहौल बना हुआ है। 26 वर्षीय मृत युवती का नाम किया दत्ता था। वो पीसी से वकील थी और सिलीगुड़ी कोर्ट में कार्यरत थी। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक वो अपनी माँ के साथ सिलीगुड़ी के सहंती मोड़ इलाके की एक फ्लैट में रहती थी। कल रात वो अन्य दिनों की तरह ही खा पीकर अपने कमरे में चली गई थी। देर रात करीब 1:30 बजे जब उसकी मां ने उसे आवाज़ दी तो उनको कोई जवाब नहीं मिला, दरवाज़ा भी नहीं खुला। इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों का आवाज़ लगाई। बाद में सभी ने उसके कमरे का दरवाज़ा तोड़कर देखा तो वो फंदे से लटक रही है। इसके बाद उसे बचाकर सिलीगुड़ी जिला अस्पताल लाया गया जहाँ ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार को उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए सिलीगुड़ी जिला अस्पताल से उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। इस संबंध में मेयर परिषद दुलाल दत्ता ने कहा कि यह काफ़ी शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ यह कोई नहीं जानता। परिवार में कोई परेशानी नहीं थी। आशीघर चौकी पुलिस ने सभी घटनाओं की जांच शुरू कर दी है। पारिवारिक विवाद को लेकर देवर पर अपनी भाभी पर चाकू मारने का आरोप लगाया है। घटना के बाद से आरोपी देवर फरार है।
धूपगुड़ी झरलता 2 नंबर ग्राम पंचायत के मोहम्मद सटी इलाके में इस घटना के बाद से सनसनी फैली हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। सुकुमार रॉय नामक के एक व्यक्ति ने पारिवारिक विवाद के कारण बुलबुली नामक की एक महिला पर तेज हथियारों से हमला किया। रिश्ते में दोनों देवर भाभी लगते हैं। महिला को गंभीर हालत में धूपगुड़ी महकमा अस्पताल में पहुंचाया गया है। पारिवारिक और पुलिस सूत्रों के मुताबिक परिवारों में विवाद काफी समय से चल रहा था और आज महिला को अकेला पाकर सुकुमार ने कथित तौर पर चाकू मार दिया। परिजन घायल महिला को धूपगुड़ी ग्रामीण अस्पताल ले आई। घायल महिला की हालत बिगड़ने पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घायल को शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लाया गया। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स, सच्चाई का आईना।